हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। अभी आप देख रहे हैं मेरे साथ VC210 LCD मॉडल जो कि सेमी वैल्यू फीचर के साथ आ रहा है। लेटेस्ट मॉडल है, ठीक। इसमें आपको IR, UV, MG, MT-IR के साथ सारे सेंसर मिल जाते हैं। जो बेसिक मॉडल होता था VC210 जो पहले आता था, अभी भी आता है, उसमें UV और MG सेंसर ही मिलता है। इसमें आप जूम करके देखेंगे तो आपको चार सेंसर दिख जाएंगे स्क्रीन पे। UV, IR, UV, MG, MT चारों सेंसर मिल जाएंगे डिटेक्शन के लिए। साथ में सेमी वैल्यू का फीचर है, एड बैच का फंक्शन है, ठीक। और अपने करेंसी के अकॉर्डिंग, जैसे आप फॉरेन करेंसी काउंट करते हैं तो आप सेंसर को भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। IR, UV भी चला सकते हैं, IR के साथ भी चला सकते हैं चारों सेंसर के साथ, और IR, MG, MT के साथ भी, ठीक है। हर तरीके की करेंसी में के लिए सुटेबल है। सेटिंग में आपको नहीं जाना है, इधर सेटिंग की है, सेटिंग में आपको नहीं जाना है, ठीक, क्योंकि इसमें अगर कुछ छेड़ देंगे तो आपको सर्विस पर्सन को बुलाना पड़ेगा या कस्टमर केयर पे फोन करना पड़ेगा। तो चलिए मशीन को यूज करके देखते हैं कैसे यूज करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें आपको छोटे नोट काउंट करके दिखाता हूँ। 20 के नोट है, 100 पीसेस है ये, इस तरीके से आप देख सकते हैं। LCD डिस्प्ले के साथ है, कलर चेंजिंग डिस्प्ले है। जब भी आपका नकली नोट आएगा तो मशीन का स्क्रीन का कलर बदल जाएगा। वो कैसे होगा ये देखिए, मैंने नकली नोट ले लिया है और इसको प्लेस करता हूं। मशीन की होपर की कैपेसिटी बता दो, 200 नोट है, स्टेगरी कैपेसिटी 200 नोट है, 1000 नोट पर मिनट काउंटिंग स्पीड है। इस तरीके से नोट प्लेस करेंगे, जब भी नोट आएगा मशीन ऑटोमेटिक रुक जाएगी, बीप मशीन आपको कंटिन्यूस बीप देगी रुक रुक के, ठीक है। और स्क्रीन का कलर आप देख ही रहे हैं बदल गया एयरपोर्ट के साथ। स्टेगर में जो लास्ट नोट होगा नकली होगा, उसको निकालने के बाद आप स्टार्ट बटन दबाएंगे या इन नोटों में खाते रखेंगे, आपकी काउंटिंग चली जाएगी। और ये नोट आपका अपडेटेड मशीन है तो नकली नोट को गिनती में नहीं लेती है। नॉर्मली जो बेसिक मशीन होती थी फर्स्ट टाइम काउंट करते थे तो नकली नोट को भी गिनती में लेती थी, तो आपको रीचेक करना पड़ता था। तो इसमें आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, नकली नोट को गिनती में लेगी नहीं, जो 100 नोट होगा उन्हीं को रियल काउंट करेगी। और अब देखती साथ में बड़े नोट काउंट करके दिखा देता है। 500 के नोट है, सेम उसी तरीके से वर्क करेगी। नोट जब भी जहां से मुड़े हों, जैसे आप पर्स वगैरह में रखते हैं तो नोट इस तरीके से मुड़ जाते हैं, जैसे इस मुड़े हैं तो इस साइड को करके और जितना हो सके सीधा करके लगाएं, ठीक है। इस तरीके से आपको नोट लगा देने हैं। ये भी 100 नोट है, 50,000 रुपये टोटल है, आप देख सकते हैं इसको भी जूम करके, भी 100 नोट है। साथ में कैपेसिटी चेक करा देता हूँ दोनों बेटियों को एक साथ लगा के, ताकि आपको पता चल जाए कि 200 नोट इसकी कैपेसिटी है। आप देख सकते हैं 200 नोट मैंने एक साथ प्लेस किए हैं, 200 पीसेस आ जाएगा टोटल, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या फीचर है इसमें। वैल्यू, सबसे पहले वैल्यू का फीचर देखते हैं। जो भी हमारे नोट हो उसके अकॉर्डिंग आपको पहले से वैल्यू सेलेक्ट करनी है। अभी मैंने 500 के नोट लिए हैं तो वैल्यू आपको सेलेक्ट करनी है 500। कैसे सेलेक्ट करनी है उसके लिए आप सबसे पहले वैल्यू की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ वैल्यू आ रही है 10 की, तो आपको 500 पे ले जाना है। 500 की वैल्यू आ गई यहाँ पे। थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूँ, लाइट अपना आप देख सकते हैं, लाइट और हो गया, 500 की वैल्यू आ रही है, ठीक। तो अब मैं इन नोटों को प्लेस करूंगा तो ये मैनुअली वैल्यू कैलकुलेट कर देगा अकॉर्डिंग टू नोट। जितने नोट होंगे उसके अकॉर्डिंग वैल्यू कैलकुलेट कर देगा इंटू करके, ठीक है। नोट हमेशा प्लेस करते वक्त आगे के नोट करते हैं और सेंटर में रखें। अभी आप देख सकते हैं टोटल 50,000 वैल्यू आ गई 100 नोट से, ठीक। अब इसी तरीके से हम 20 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 20 के नोटों की 100 नोट है तो 200 वैल्यू आएगी इसकी, 2000 वैल्यू आएगी। वैल्यू आप यहां से सेलेक्ट करेंगे, अभी हमें ये 1000 की वैल्यू आ रही है, अब हम 2000 की वैल्यू है, हमें 20 की वैल्यू चाहिए, 20 की वैल्यू सेट कर दी हमने। अब हम 20 के नोट प्लेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं 2000 वैल्यू आ गई 20 के अकॉर्डिंग। अब आते हैं ऐड और बैच का फंक्शन देखते हैं। यहां आप देखेंगे एक ही की पे बैच और ऐड दोनों फंक्शन दिए गए हैं। जैसे आप बैच प्रेस करते हैं पहले तो वैल्यू को क्लोज कर दीजिए, वैल्यू हो गई क्लोज। जैसे बैच क्लिक करेंगे 100 का बैच आ रहा है, क्योंकि 100 की गड्डी बनती है तो नॉर्मली पहले 100 का ही आता है। फिर से प्रेस करेंगे तो 50 का आ रहा है, 20 का आ रहा है, 10 का आ रहा है। मान लीजिए हमें 25 का बैच बनाना है, हम 100 नोट है हमारे पास, हम 100 इंसर्ट करते हैं, या इसमें मान लें 25 नोट में निकालने, तो वो क्या करना है आपको 20 पे आ जाना है बैच से, 100, 50, 20 पे आने के बाद यहाँ प्लस माइनस से आपको 25 पे ले जाना है। 25 पे आ गए, अगर ज्यादा हो जाता तो माइनस से हम कम कर सकते हैं, ठीक है, और इससे ज्यादा। तो ये हो गया हमारा 25 का वैल्यू सेट हो गया। अब 100 नोट इंसर्ट करूंगा तो 25 करके मशीन काउंट करेगी, 25 नोट काउंट करने के बाद मशीन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो ये हटाऊंगा तो अगले 25 काउंट करेगी। इस तरीके से आप 25 या 50 जो भी नोट आपको किसी को छाटे देने दे सकते हैं और पैकेट भी बना सकते हैं। 100 नोट थे तो जाहिर सी बात है 25 के चार बंदे बनेंगे। अब आते हैं ऐड, जब आपको लगातार सम करते जाना है काउंट तो बार बार आपको नोट ना करना पड़े, तो इसमें 4 डिजिट का डिस्प्ले होता है, यानी 9999 पीसेस तक आपका काउंट करती है। तो यहाँ हमें देखेंगे बैच के नीचे ऐड आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम जब लगातार दबाएंगे तो लास्ट में ऐड आ जाएगा, ठीक है, ऐड आ गया। अब इसमें जितनी बार भी हम नोट प्लेस करते जाएंगे सम होता जाएगा पिछली काउंटिंग में। जैसे फर्स्ट टाइम काउंट कर रहे हैं तो 100 नोट आएगा, ठीक है, 100 नोट आया। दोबारा इंसर्ट करेंगे, इन्हीं नोटों को उठा के डाल देते हैं, ठीक, तो ये सम कर देगा लास्ट जो भी काउंटिंग मिली है, अभी 200 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। इस तरीके से आप जितनी बार भी नोट प्लेस करेंगे आपका सम होता जाएगा। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया। मशीन खरीदने के लिए आप सामने ये नंबर शो कर रहे हैं, इन नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट AKS ऑटोमेशन से भी बुक कर सकते हैं। और कोई डिटेल हो तो सारी डिटेल हमारी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, हमारे स्टोर पर भी विजिट कर सकते हैं, एड्रेस वगैरह हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। AKS ऑटोमेशन से अविनाश सिंह, जय हिंद।